सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू? फाइन, आई होप यू आर वेरी फाइन। ओके, आई एम गिविंग माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज जगदीश दवे। आई एम एमएबीए इन संस्कृत। होप यू ऑल नो आई एम योर संस्कृत टीचर। सो लेट स्टार्ट अवर सेशन। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन संस्कृत कक्षा 6, यानी कि संस्कृत कक्षा 6। और मैं आपका आज से संस्कृत लेने वाला हूँ, यानी कि आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका टीचर मैं हूँ। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया है और आप सभी लोग मेरे को नाम से भी जानने लगे कि मेरा नाम है जगदीश दवे और मैं संस्कृत मीडियम में एमए बीएड हूं। तो चलो मित्रों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसका नाम है वंदना। वंदना का मीनिंग होता है सामान्यतः प्रार्थना। वंदना का क्या मीनिंग होता है? सामान्यतः प्रार्थना। तो हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई प्रार्थना क्या है, हम प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना चीज क्या है, वो हमको मालूम होनी चाहिए ना। जब हमको वो ही मालूम नहीं है कि प्रार्थना का मीनिंग क्या है, वंदना का मीनिंग क्या है, तो हम उसके बारे में चाहे कितना भी पढ़ेंगे, चाहे कितना भी अभ्यास कर लेंगे, बड़े बड़े पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, मगर जब कोई हमको पूछे कि भाई प्रार्थना यानी क्या, वंदना का मीनिंग क्या होता है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हम दररोज सुबह उठकर भगवान को जो धूप करते हैं, दिया जलाते हैं भगवान के सामने, आरती पूजा करते हैं, क्या उसको हम प्रार्थना बोलते हैं? या दररोज हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर्स हमारे को वहां एक प्रार्थना खंड होता है, वहां सभी को साथ में बिठाते हैं और हाथ ऐसे जोड़कर आंखें बंद कर हमको इच्छा नहीं होती है, फिर भी हमारे टीचर्स लोग हैं, वो हमको प्रार्थना करवाते हैं और हम कभी कभी आंखें बंद करते हैं, कभी कभी आंखें खोलते हैं और ऐसे प्रार्थना पूरी हो जाती है, तो क्या उसको प्रार्थना बोलते? नहीं मित्रों, उसे प्रार्थना नहीं बोलते। तो प्रार्थना किया, अब हम ये सेशन जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये जो पहला लेक्चर है हमारा संस्कृत का, तो उसमें हम आपको ये पहला जो लेक्चर है हमारा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यानी कि इस चैप्टर में क्या है मीनिंग ऑफ प्रार्थना, प्रार्थना किसे कहते हैं, वंदना किसे कहते हैं, वो हम जानेंगे पीपीटी के द्वारा। पीपीटी के द्वारा हम जानेंगे कि प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना का असल में मतलब क्या है, हम जो प्रार्थना जिसको हम जिसे प्रार्थना के नाम से जानता है कि वही सच में प्रार्थना है या प्रार्थना का मीनिंग कुछ और है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ये जो सेशन है हमारा पहला जिसका नाम है वंदना, उस वंदना में मित्रों क्या है, तो कि उस वंदना में तीन प्रकार की वंदना की गई है। तीन प्रकार की, कौन सी कौन सी? तो पहली वंदना की है गुरु वंदना, यानी कि गुरु की वंदना की है, गुरु की प्रार्थना की है। दूसरी वंदना तो गणपति वंदना। दूसरी वंदना किसकी कही? तो गणपति वंदना। हमारे इस प्रथम सेशन में तीन श्लोक है और तीनों श्लोकों में अलग अलग देवों की वंदना की है। पहले श्लोक में गुरु वंदना की है, गुरु यानी कि टीचर्स, गुरु यानी कि टीचर जो हमें पढ़ाते हैं। और हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा है कि हम जो गुरु मंत्र धारण करते हैं, जिसके पास से हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र धारण करते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए, वो हम डीप में पढ़ेंगे, मगर उसे भी हम गुरु कहते हैं। तो गुरु की वंदना है प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में तो गणपति वंदना, यानी कि गणपति भगवान की वंदना है। और तीसरे श्लोक में शारदा वंदना,
शारदा यानी कि मां सरस्वती की वंदना। हम प्राय विद्यार्थी तो है ही सब, हम सब विद्यार्थी ही है, स्टूडेंट ही है, तो हमें मां सरस्वती की वंदना तो करनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हम मां सरस्वती की वंदना नहीं करते, शारदा का दूसरा मीनिंग होता है सरस्वती, मां सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। तो हमको भी सरस्वती की वंदना करनी है, तो इस चैप्टर में हमें गुरु वंदना, गणपति वंदना और मां सरस्वती की वंदना करनी है। तो चलो देखते हैं हम अब पीपीटी के द्वारा कि प्रार्थना किसे कहते हैं, वंदना किसे कहते हैं, हम शुरू करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, पहला सेशन हमारा क्या है, तो कि वंदना किसे कहते हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं। हमको पहले तो यही पता होना चाहिए कि वंदना का मीनिंग क्या होता है, हम वंदना किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं कि हमारे यहां जो हमारा ये देश है, हमारा एक कल्चर है जिसको हम संस्कृति बोलते हैं, हमारा एक कल्चर है जिसको हम संस्कृति बोलते हैं और उसका नाम है भारतीय संस्कृति। उसका नाम क्या है, भारतीय संस्कृति। मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूं वंदना का मीनिंग, प्रार्थना का मीनिंग, प्रार्थना किसे कहते हैं, वंदना किसे कहते हैं और उसे प्रार्थना ही क्यों कहते हैं, वंदना क्यों कहते हैं, उसके लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे यहां कितनी सारी संस्कृतियां हैं, कितने सारे कल्चर्स हैं। ऐसे कहा जाता है कि हमारे यहां तो पुरातन काल से कल्चर की शुरुआत हुई है, संस्कृति की शुरुआत हुई है, मगर सबसे प्राचीनतम जो कोई संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम जो कोई संस्कृति है, तो उसमें पांच संस्कृति की बात आती है। सबसे प्राचीनतम संस्कृति, पांच संस्कृति की बात आती है, उसमें सबसे पहली जो संस्कृति है वो है चीन की संस्कृति। सुनना, सबसे पांच संस्कृति, सबसे पुरानी पांच संस्कृति, उनमें पहले नंबर में आती है चीन की संस्कृति। क्यों, तो के उसने सबसे पहले किसकी शोध की, तो के उसने सबसे पहले लिपि की शोध की। जो ध्यान से समझना, भाषा की नहीं बात कर रहा हूं, भाषा तो सबसे प्राचीन संस्कृत ही है, मगर चीन की जो संस्कृति है उसने लिपि की, यानी कि जो लखान, जो हम लिखते हैं ना, उसकी शोध की, लिपि की शोध की चीन की संस्कृति। और प्रायः लिखने की जो शोध करते हैं तो लिखने के लिए कागज चाहिए, तो कागज की शोध भी सबसे पहले चीन की संस्कृति ने की। अब कागज आया तो लिखने के लिए पेंसिल भी चाहिए, है ना, पेंसिल के बिना तो हम कागज में कैसे लिख सकते हैं, पेन के बिना तो नहीं लिख सकते, तो पेंसिल की भी शोध चीन की संस्कृति ने की। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है माया संस्कृति, यानी कि माया जो संस्कृति है वो रहस्यों से भरपूर है, माया संस्कृति है वो बहुत सारे रहस्यों से भरपूर है, और उसके जो नियम है ना वो अजीबोगरीब है, उसके जो नियम है बनाया हुआ बराबर वो अजीबोगरीब है, यानी कि उसके माया संस्कृति में इतने सारे रहस्य मिलते हैं कि आज हम बिजली का उपयोग करते हैं घर पे, ट्यूबलाइट है, लैंप है, फैन है, एसी है, हम बिजली का उपयोग करते हैं। तो जब माया संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे या किसी के पास से सुनेंगे माया संस्कृति के विषय में, तो हमको ज्ञान होगा कि जब माया संस्कृति विकसित हुई ना, तब उसके पास बिजली थी, यानी कि आज से हजारों साल पहले भी बिजली थी। तो हमारे तो यहां 100-150 साल चाहिए, मगर पहले से ही बिजली थी। तीसरे नंबर पे आती है
मेसोपोटेमिया संस्कृति। कौन सी संस्कृति आती है बच्चों? तो कि मेसोपोटेमिया संस्कृति, यानी कि मेसोपोटेमिया की जो संस्कृति है वो संस्कृति है चीन की संस्कृति, और माया संस्कृति से थोड़ा उसके बुद्धि में विकास आया। आपने देखे होंगे गुफा चित्र वगैरह, आप चित्र टीवी में या मोबाइल में या इंटरनेट द्वारा आप देखते होंगे। तो जो ये चीन की संस्कृति थी और माया संस्कृति थी उनसे थोड़े आगे उठकर आई मेसोपोटेमिया की संस्कृति। उसको पता लगने लगा क्या, तो कि भाई हम एक बीज जमीन में बोते हैं तो उनमें से कई सारे बीज उत्पन्न होते हैं। और उसने खेती की शुरुआत की। उसके बाद आई चौथे नंबर मिश्र संस्कृति। तो जो ये मिश्र संस्कृति है मित्र, वो क्या करते हैं? तो कि जो मिश्र संस्कृति थी उसने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, बड़े बड़े पिरामिड बनाए, मगर कैसी जगह पे? तो कि खाली जगह थी या पर्वत वाली जगह थी उस पे। उसने कभी प्रकृति का कोई भी नाश नहीं किया है। हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ वगैरह काटते हैं बाद में क्या। अभी अभी आपने हम सबने देखा कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़ पौधे, हमको वहां से ऑक्सीजन मिलते। जो ये मिश्र संस्कृति विकसित हुई तब उसने विकास बहुत किया, मगर उसने क्या किया? तो प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बड़े बड़े पिरामिड वगैरह बनाए। और पांचवे नंबर पे आती है सिंधु खीण की संस्कृति, यानी कि हमारी हिंदू संस्कृति, उसे इंडस वैली भी बोलते हैं, इंडस वैली भारतीय संस्कृति। तो उसमें क्या है? तो क्या उसमें ऐसा है कि वो विकास तो हुई है उन चारों जो संस्कृतियां है, चाहे चीन की संस्कृति है या माया संस्कृति ले लो आप, या फिर मेसोपोटेमिया की संस्कृति ले लो, मिश्र संस्कृति ले लो, या हमारी इंडस वैली संस्कृति ले लो, सबने कुछ ना कुछ तो विकास किया ही है, मगर सर्वश्रेष्ठ ये हमारी भारतीय संस्कृति क्यों है? तो कि उसमें विकास के साथ आध्यात्मिक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आध्यात्मिक। हम चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी बड़ा मकान बनवा ले, चाहे कुछ भी कर ले, मगर हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? किस कारण हमारा जन्म हुआ है, हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, तो क्यों हुआ है? अगर हमें यही पता नहीं है तो हम क्या, तो हम में और पशु में कोई फर्क ही नहीं है। तो ये जो हिंदू संस्कृति है, हमारी इंडस वैली संस्कृति है, जो सिंधु खीण की संस्कृति है, उसने भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी विकास किया है। और जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो हमारे मन में तुरंत ही क्या आ जाते हैं? तो कि हमारे मन में तुरंत ही चार वेद सामने आते हैं। सबसे प्राचीन संस्कृति वैदिक संस्कृति, इंडस वैली संस्कृति, उसमें भी तो कि वैदिक संस्कृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो कि ऋग्वेद। अब देख सकते हैं चार वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, और वो भी संस्कृत में लिखा हुआ, यानी कि संस्कृत का तो महत्व बहुत ही है। तो ये ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में जो मंत्र है उसे ऋचा बोलते हैं, ऋग्वेद में जो मंत्र है उसे ऋचा बोलते हैं। और ऋग्वेद के दो पार्ट है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो ऋग्वेद का जो पूर्वार्ध है उसमें देवों की स्तुतियां है, इंद्रदेव, यमदेव, वरुणदेव, अग्निदेव आदि सारे देवों की स्तुतियां है। और जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध में क्या है? तो के ऋग्वेद कालीन समाज का वर्णन है, ये समाज कैसा होना चाहिए, हम समाज में रहते हैं तो हमारी रहनी कहनी कैसी होनी चाहिए, हम समाज में रहते हैं तो हमारा पहरवेश कैसा होना चाहिए, हम समाज में रहते हैं तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए,
हमारे विचार कैसे होने चाहिए, ये सब ऋग्वेद में बताया गया है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं उसकी लिपि कैसे लिखा हुआ है ऋग्वेद, उसके मंत्र ऋचाए कैसे लिखे हुए वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में तो के जीव जगत और जगदीश का बहुत डीप में वर्णन है। हमारे अंदर भी एक जीवात्मा है, हमने कभी देखा नहीं है और हम देख भी नहीं सकते, तो ये जीव है, ये जगत है। हमने तो पूरा राजकोट ही नहीं घुमा हुआ है, पूरा राजकोट हमने घुमा नहीं है तो हम पूरे विश्व को कैसे घूम सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें वर्णन है ये जगत का, ये जगत कैसा है, और जगदीश यानी कि ईश्वर भगवान का भी वर्णन है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें क्या है, तो उसमें कर्मकांड विधि विधान है। हमारे घर कोई पूजा रखी होती है तो ब्राह्मण लोग आते हैं ना, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, वो सब शुक्ल यजुर्वेद में। उसके बाद उसका जो लिपि है उसको संहिता बोलते हैं, उसका आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सामवेद। सामवेद तो सामवेद में क्या है, तो कि सामवेद में एक विद्या है जिसका नाम है गांधर्व विद्या, और वो विद्या के अंदर एक शास्त्र है बहुत बड़ा जिसका नाम है संगीत शास्त्र, और जो संगीत शास्त्र है उसमें सात सुर है, सा रे ग म प ध नी सा, पूरा संगीत आ गया उसमें। वो सात सुरों में आके पूरे पूरा सात सुरों में पूरे पूरा संगीत आ जाता है, और सामवेद को संगीत की गंगोत्री भी बोलते हैं। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है और सामवेद का महत्व बढ़ाया कि वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेदों में मैं क्या हूं, तो मैं सामवेद हूं, इसलिए सामवेद की महत्ता बढ़ गई। पहले तीन ही वेद थे, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। उसके बाद कई सालों के बाद अथर्वा और अंगिरा नामक ऋषि हुए, उसने मंत्र दृष्टा बनकर चौथा वेद हमको दिया जिसका नाम हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि जो अथर्ववेद है उसमें भी बहुत जानने लायक है। क्या क्या है उसमें, तो कि वास्तु शांति यानी कि जो वास्तु शास्त्र है वो उसमें है, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ज्योतिष, हम जो जन्माक्षर बनवाते हैं वो जन्माक्षर की विधि, और सबसे बड़ा आयुर्वेद जो हम साइंस में जाके डॉक्टरी लाइन पढ़ते हैं, सर्जरी कैसे करनी है, तो ये अब सब कुछ पहले नहीं था, पहले भी था। जो वेदों में है वही विज्ञान है, विज्ञान कोई वेद वहां वेद के वहां पहुंच नहीं सकता, मगर जो वेदों में दिया गया है वही विज्ञान है। वेद यानी कि विज्ञान, विज्ञान यानी हम वेद नहीं कह सकते मगर वेद ही विज्ञान है। तो वो सब कुछ अथर्ववेद में है। उसका लिपि कैसा है, उसका मंत्र कैसे है वो आप देख सकते हैं कैसे लिखे हुए हैं। और उसके बाद हम अब बात करने जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे, तो प्रार्थना की। सर आपने तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा ये हमको सुनाया, हम सुन सुन के थक गए, ये क्या जरूरत थी, तो कि ये सब जरूरत थी। जो पांच संस्कृति है उसमें सर्वोत्तम जो संस्कृति है वो हमारी है हिंदुस्तानी संस्कृति यानी कि सिंधु खंड की संस्कृति। क्यों वो सबसे श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, तो कि उसमें स्व की नहीं सर्व की भावना है। अब चित्र देख रहे वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति हमारे वेद है हमारे पुराण है या हमारे कहीं भी शास्त्र है उसमें क्या है, तो कि स्व का कुछ भी नहीं है, स्व के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी मांगा है सर्व के लिए मांगा है। वसुधा इव वसुधैव यानी कि वसुधा, वसुधा यानी कि पृथ्वी, ये समग्र संसार, वसुधा यानी कि पृथ्वी यानी कि समग्र संसार,
इव कुटुंबकम, हमें कुटुंब बन के रहते हैं, ऐसी भावना है। किसमें ऐसी भावना है? तो कि हमारे वेदों में, हमारी इंडस वैली संस्कृति में, हमारी सिंधु खीण की संस्कृति में, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और आप देख रहे दीप प्रागट्य, आपने ऐसा तो कभी कभी देखा ही होगा, आपने ऐसा तो कभी कभी देखा होगा स्कूल में कोई इवेंट हो या छोटे बड़े कोई प्रसंग होते रहते हैं, उसमें हम कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करते हैं? तो दीप प्रागट्य से, दीप प्रागट्य से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दीप प्रागट्य से क्यों? तो कि हम भगवान को वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या वंदना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? तो कि हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? अज्ञान, उसको आप दूर करिए और प्रकाश रूपी ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कराइए, हमारे अंदर से अज्ञान को दूर करें और प्रकाश हमारे अंदर आए, ऐसी हम भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वंदना का मीनिंग क्या है? हमारा जो ये सेशन है, प्रथम सेशन वंदना है, तो वंदना का मीनिंग क्या है, प्रार्थना का मीनिंग क्या है? तो प्रार्थना का, वंदना का एक ही मीनिंग है कि हमारे लिए नहीं, हम स्व के लिए नहीं, सभी के लिए जो मांगे। हमारे वेद भी ये कहते हैं, हमारी संस्कृति भी ये कहती है कि हम हमारे लिए नहीं, तो हम सेल्फिश बन जाएंगे। हम हमारे स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ मांगे रहेंगे भगवान के पास और बोलेंगे कि मिलता नहीं है, तो नहीं मिलेगा। हमको मांगना चाहिए, मगर कैसे मांगना चाहिए? तो कि सर्व के लिए, सर्व में हम सब आ जाएंगे। हम पूरे विश्व के लिए अगर कोई प्रार्थना करेंगे तो हम तो विश्व में आ ही जाएंगे, तो हमारी प्रार्थना तो आपो आप हो ही जाएगी। तो प्रार्थना का मीनिंग होता है स्व के लिए नहीं, सर्व के लिए मांगना चाहिए। स्व के लिए नहीं मगर सर्व के लिए मांगना चाहिए। तो मित्रों, आपको इस वीडियो से वंदना का मीनिंग, वेदों का मीनिंग और हमारे संस्कृति के बारे में आपको कुछ ना कुछ माहिती प्राप्त हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये संस्कृति की वर्कशीट आएगी, संस्कृत की जो वर्कशीट रहेगी बच्चे, वो क्या है? तो उसमें आपको वो वर्कशीट क्लियर करने के लिए पूरे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये तो ना टेक्स्ट बुक में मिलेगा उसका आंसर, या ना नवनीत में मिलेगा, या ना कोई स्वाध्याय पोथी में मिलेगा। आपको अगर संस्कृत की वर्कशीट कंप्लीट करनी है तो आप सबको क्या करना पड़ेगा? तो कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वो भी कैसे? तो कि ध्यान पूर्वक, बेध्यान होकर नहीं। अगर हम ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे तो हमको वर्कशीट के आंसर आ जाएंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको वंदना का मीनिंग, वेदों का संक्षिप्त महत्व और संस्कृति का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया होगा। तो हम अगले पार्ट में हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वंदना। तब तक सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण, जयतु संस्कृतम्।